तो उस साल पहले फसल बर्बाद हुई थी, तो मैंने हुकुम सिंह से 50,000 रुपए खर्च लिए थे। अब सूद पे सूद चढ़ता गया और मैं मूल रकम चुका ही नहीं पाया। तेरी जुर्रत कैसे हुई यहां आने की? चल निकल जा यहां से, दफा हो जा। रुको सुलेमान, तुम मुझे अच्छी लगती हो इसलिए तुमसे दोस्ती करना चाहता था मैं। देखो अजय, दामिनी, गलती मेरी है। मैं नहीं जानता था कि तुम मुझे इतना नापसंद करती हो। आज बस इतना ही कहूंगा कि आज के बाद मैं तुमसे कभी बात करने की कोशिश भी नहीं करूंगा। तुम मुझे बहुत याद आओगी, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकता। बाय दामिनी। रशीदा, रशीदा, कहाँ हो तुम? रशीदा। अरे बाबा आई। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? खैरियत नहीं होती तो ये फूल आपके लिए क्यों लेके आता? ये फूल किस खुशी में? अब जब खोई हुई चीज वापस मिल जाती है तो खुशी तो दुगनी हो ही जाती है। हुकुम सिंह ने जो हमारे खेत और बैल छीन लिए थे वो उसे लौटाने पड़े। अल्लाह का करम है, पर ये हुआ कैसे? मनीषा आपा और अरविंद भाईजान की वजह से। वो लोग हमारे साथ हुकुम सिंह के ऑफिस में गए थे और हुकुम सिंह को उनकी बात मजबूरी में माननी पड़ी और उसे हमारे खेत और बैल लौटाने पड़े और अरविंद भाईजान ने हमारे कर्ज भी चुका दिए। और उनका कर्ज वो कैसे चुकाओगे? हम किसान भाई बहनों ने सरकार को चिट्ठी लिखी है कि हमारे गांव में भी सोलर पंप लगे और जब सोलर पंप लग जाएगा तो खेतों को पानी मिलेगा और जब खेतों को पानी मिलेगा तो फसल भी अच्छी होगी और फिर हमें फसल के अच्छे दाम मिलेंगे, तब हम अरविंद भाईजान का कर्ज भी चुका देंगे। इंशाल्लाह ऐसा ही हो। आमीन। किसान भाइयों और बहनों, आप लोगों के लिए भारत सरकार ने एक बहुत ही अच्छी योजना शुरू की है। इस योजना के बारे में आपकी बेटी दामिनी आपको विस्तार से बताएगी। किसान बहनों और भाइयों, सोलर वाटर पंप यानी सौर जल पंप योजना सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को अत्यधिक ही रियायती दरों पर सोलर पंप प्राप्त करने हैं और इसकी कुल लागत का केवल 5% का ही आप सभी को भुगतान करना होगा। किसान बहनों और भाइयों के लिए सरकार ने हर राज्य में 5,00,000 से भी ज्यादा सोलर वाटर पंप लगाने की महत्वाकांक्षी योजना बनवाई है। इसके लिए शुरुआती दौर में कम से कम 10,000 सोलर वाटर पंप लगाने के लिए एक अनुबंध दिया गया है। ये तो बढ़िया स्कीम है, इसकी लागत क्या होगी? एक सौर पंप की कीमत 3,00,000 रुपए से लेकर 5,00,000 रुपए के बीच है। यह योजना पूरे देश में हर राज्य में हर जिले में लागू है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए एक किसान के पास 5 एकड़ से कम भूभाग होना चाहिए। सरकार का तो लक्ष्य है कि हर गांव में सब्सिडी के आधार पर सौर जल पंप प्रदान करने की योजना है। इस योजना से लाभ क्या होगा?
किसान बहनों और भाइयों का बहुत फायदा होगा। सोलर वाटर पंप स्थापित करने के लिए सब्सिडी मिलेगी, ऊर्जा और बिलों की बचत होगी, लोड शेडिंग और बिजली कटौती का भी कोई असर नहीं होगा। क्या हर किसान इस योजना का लाभ उठा सकता है? नहीं, सभी किसान बहनों और भाइयों को इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। जिन किसान बहनों और भाइयों के पास 5 एकड़ से छोटा भूभाग है, बस वही इस सौर जल पंप योजना का फायदा उठा सकते हैं। तो आप लोग सब कुछ समझ गए ना? जी। तुझे इस गांव में रहना है तो अपनी हद में रह। तू और तेरी लुगाई किसानों की नेता बनने की कोशिश ना कर। अपने परिवार को जिधर से लेकर आए हो उधर ही चले जाओ, और अगले बार परिवार को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और हाँ, मैडम जी को हुकुम सिंह का सलाम कर। चल भाई। डैड,
कुछ लोगों ने लाठी से हमला किया मुझ पे। लाठी से? अरे देखा था आपने उसका चेहरा? कौन थे वो लोग? दो लोग थे, उनके चेहरे पे कपड़ा बना हुआ था। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज? कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। मम्मा, आज डैडी को जल्दी चले गए ना मॉर्निंग वॉक पे? हाँ बेटा, मैंने उनसे कितनी बार कहा है कि आप मॉर्निंग वॉक में जब भी जाइए तो मुझे जगा दिया कीजिए, सुनते ही नहीं। हमेशा यही कहते हैं कि तुम इतनी मीठी नींद सो रही होती हो कि मुझे जगाने में अच्छा नहीं लगता। तो क्यों हंस रही है? मम्मा, मुझे ना आपकी और डैडी की लव स्टोरी सुनने में बड़ा मजा आ रहा है। लव स्टोरी? ऑफ कोर्स, डैडी आपको इतना प्यार करते हैं ना कि वो आपको सुबह जगाते भी नहीं है। हिंस प्रूफ कि वो आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बस बस, डैडी की लाडली, जब देखो पापा की चमचागिरी करती रहती है। मम्मा, आप हमेशा ऐसे क्यों बोलती हो? मैं आपकी लाडली बेटी नहीं हूँ। ये भी प्रूफ करना पड़ेगा। मम्मा प्लीज ना, एक बार तो बोलो मेरी तसल्ली के लिए। प्लीज ना मम्मा। मेरी लाडली बेटी, हाँ ठीक है, तसल्ली हो गई। अजय भैया से भी ज्यादा ना, ये क्या सवाल पे सवाल पूछी जा रही है? मम्मा प्लीज ना बोलो ना। देखो, अब आप बोल नहीं रही हो, इसका मतलब ये है कि आप अजय भैया को ज्यादा प्यार करती हो। वैसे इसमें कोई डाउट करने वाली बात तो है नहीं, मम्मी तो हमेशा अपने बेटे को ही ज्यादा प्यार करती है ना, बेटी को कहाँ करती। बेटा, मैं उन माओ में से नहीं हूँ, मेरे लिए तो तुम दोनों ही लाडले। अजय के होने के बाद मैंने भगवान से प्रार्थना किया था, ये भगवान मुझे एक प्यारी सी बेटी दे दे, और मुझे दे दिया। मम्मा, आप भी ना हम दोनों की बहुत ही अच्छी मम्मा हो, और आपको पता है आप दूसरी माओ जैसी नहीं हो, आप मेरी मम्मा भी हो और आप मेरी बेस्ट फ्रेंड भी। अच्छा मम्मा, यहीं बैठो, अभी मैं जस्ट गई और मोबाइल ले गई, खूब सारी सेल्फी क्लिक करेंगे, ओके? अच्छा सुनो, तू अंदर जा रही है ना, तो अजय को जगा देना, वैसे देख लेना वो सोया है कि जगा है। ये मम्मा, सोने दीजिए ना उन्हें, इतनी जल्दी जाकर क्या करेंगे वो यहाँ पे? अरे मॉर्निंग वॉक पे चला जाएगा, पढ़ाई पूरी करेगा, यहाँ घूमने थोड़ी आया वो। बस बस मम्मा, मैं भैया को जगा दूंगी, और अगर नहीं जगे ना तो आप जगा देना। कुछ लोगों ने लाठी से हमला किया मुझ पे। लाठी से? अरे देखा था आपने उसका चेहरा? कौन थे वो लोग? दो लोग थे, उनके चेहरे पे कपड़ा बंधा हुआ था। ओह माय गॉड, भगवान क्या हुआ प्रिया, क्यों चिल्ला रही हो बार बार तुम? पापा, पापा क्या हुआ, ये खून कैसे? मामा, मामा क्या हुआ पापा को? अजय, इन्हें कमरे में लेके चल और डॉक्टर को बुलाना होगा, जल्दी चल। हे भगवान, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ज्यादा गहरी चोट नहीं है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इनके ऊपर हमला किया किसने, कौन हो सकता है इनके जान का दुश्मन? अगर मुझे पता चल गया ना, तो मैं तो उसे सजा दिला के ही रहूंगी। ये कोई मामूली हादसा नहीं है, कोई हमारा दुश्मन है जिसने हमें डराने की कोशिश की है। अब मैंने आपसे हमेशा कहा है कि आप अकेले मत जाया कीजिए, लेकिन आप तो सुनते ही नहीं है। अरे हम इस गांव के लोगों को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, लेकिन आप तो सुनते ही नहीं। पापा, पापा ये बताइए उन दोनों की शक्ल कैसी थी, पुलिया कैसा था, लंबे चौड़े थे या दुबले पतले? या ये क्या?
क्या स्टूपिड सा क्वेश्चन है? पापा ने बताया ना कि दोनों ने मुंह पे कपड़ा बांध रखा था, तो शक्ल कैसे पता चलेगी? बट मॉम, मुझे पता है डैड का दुश्मन कौन है। कौन? हुकुम सिंह। हुकुम सिंह? वो किसान बहनों और भाइयों को लूटता है। लेकिन आप किसान बहनों और भाइयों की हमदर्द है मम्मा, इसीलिए उसका बदला उसने डैड से लिया। मम्मा, हम ऐसी खतरनाक जगह नहीं रह सकते। प्लीज प्लीज दिल्ली वापस चलो। मम्मा प्रिया सही कर, हमें दिल्ली वापस जाना चाहिए। नहीं अजय, हम वापस नहीं जाएंगे, नहीं तो वो लोग समझेंगे कि हम उनसे डर गए। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम क्यों जाएंगे यहाँ से? इसको कहते हैं बिलपिंदी का लोटा, जो कभी इधर लुढ़कता है कभी उधर लुढ़कता है। अभी कह रही थी कि जाएंगे, अब कह रही हो नहीं जाएंगे, क्या हालत? ओफो, अब क्या बहस करने लगे तुम दोनों? जाओ, तुम दोनों जाओ, डैडी को आराम करने दो। कूल मॉम, हम जा रहे हैं। ओके ठीक, आप आराम कीजिए। तुम कहाँ जा रहे हो? पता करती हूँ कि यहाँ डॉक्टर कहाँ मिलेगा। रहने दो, इस गांव में कोई ढंग का डॉक्टर होगा भी या नहीं होगा, एक दो रोज में ठीक हो जाऊंगा मैं। सुबह नाश्ता किए बिना ही चले गए थे आप, अभी कुछ खाने का दिल कर रहा है? कॉफी मंगवा दो। रुको, प्रिया को बोलो ना, वो कॉफी मंगवा देगी। प्रिया, प्रिया। यस मॉम। बेटा डैडी के लिए कॉफी ले आ। ओके मॉम, अभी ले। उनमें से एक आदमी ने बोला कि मैडम जी को कहना हुकुम सिंह ने सलाम भेजा है। हुकुम सिंह? लेकिन अगर ये हुकुम सिंह का किया हुआ है तो उनके आदमियों ने इतना खुल्लम खुल्ला कैसे कह दिया? ये भी एक तरीका है डराने का कि तुम्हें जो करना है कर लो, न मुझे किसी का डर है और न किसी की परवाह। यही वजह रही होगी हुकुम सिंह जैसे गुंडे ने इस गांव में आतंक मचा के रखा है। सविता चाची। प्रिया बेटा, सुबह ही याद कर रही थी। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही है? चाची, यहाँ कोई अच्छा डॉक्टर मिलेगा क्या? डॉक्टर? डॉक्टर किस लिए? जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। हमला कर दिया चाची। सांप पे हमला? मगर किया किसने? पता नहीं चाची, किसी को उनसे क्या दुश्मनी हो सकती है चाची? वो तो मुझे कह रहे थे कि डॉक्टर को भी मत बुलाओ,
बहुत फिक्र हो रही है उनकी, इसलिए मैं आपके पास आ गई चाची। बेटा बेटा डॉक्टर तो है मगर दवा खाना बहुत दूर है। तो फिर क्या करेंगे? एक काम करती हूँ, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। साहब का देसी इलाज करूंगी ना तो साहब जल्दी ठीक हो जाएंगे। तू भी चल बेटा, जल्दी करिए चाची। पहला गोजू। राम राम हुजूर। काम हो गया? काम हो गया हुजूर। जिंदा है कि मर गया? हुजूर आपने कहा था जिंदा रखना है, इसलिए जिंदा रखे। ठीक किया। बस एक छोटी सी चेतावनी, वार्निंग देनी थी पति पत्नी को, जरूरत पड़ने पर बड़ी चेतावनी भी दे देंगे। बिल्कुल सही। वो भी काम हमको दीजिएगा हुजूर। हाँ हाँ तुम्ही को देंगे। बहुत भाषण देते हैं पति पत्नी किसान बहनों और भाइयों को, सरकार की योजनाएं बताते हैं, इस गांव के सरकार हम हैं। हमारा हुक्म चलता है इस गांव के किसानों पर। सोले आना सच बोले हुजूर, आप तो इस गांव के कर्ता धर्ता हैं, किसकी इतनी मजाल जो आपका विरोध करें, जो आपका दुश्मन वो हमारा दुश्मन। ये लो आपस में बांट लेना। राम राम हुजूर। चाची के पास गई थी, डॉक्टर कहाँ मिलेंगे ये पता करने के लिए। हाँ सविता, वो यहाँ कहीं डॉक्टर साहब कहाँ हैं? वो ऊपर कमरे में। चलिए। आओ सविता, तुमको भी खबर मिल गई। हाँ प्रिया ने बताया, मैं भागी भागी चली आई। देखे साहब कहाँ चोट लगी है? पीठ पे लगी है। बेटा तुम लोग थोड़ा सा बाहर जाओ ना। सुबह जब मेरे पति मॉर्निंग वॉक पे गए थे तो दो आदमियों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। क्या? अरविंद गुप्ता जी पे किसी ने हमला किया? सोलर वाटर पंप स्थापित करने की सब्सिडी मिलेगी, ऊर्जा और बिजली की भी बचत होगी, बिजली कटौती और लोड शेडिंग का भी कोई असर नहीं होगा। हर किसानों को फायदा होगा। जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है सिर्फ उन किसान बहनों और भाइयों को इसका लाभ मिल सकता है। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। और नई से पैदा कर।